How to fix Vivo Y19 charging not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकी राज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि चार्जिंग नहीं हो पा रहा है तो कैसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, आपका चार्जिंग पे प्रॉब्लम हो जाता है या फिर फ़ोन पे प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से चार्जिंग यहाँ पर काम नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम यही जानेंगे कि किस में प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके फ़ोन पे या फिर आपके चार्जर पे, ठीक है। यदि आपका जो फ़ोन है उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, बस उनको एक बार फॉलो करके देखें, उससे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा, एक ना एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यदि चार्जिंग काम नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों वो चार्जर जो है किसी दूसरे फ़ोन पे कनेक्ट करके देख लेना है। यदि उस फ़ोन पे काम कर जाते आपके फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपके फ़ोन पे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बाद में सॉल्यूशन बताऊँगा। और दोस्तों यहाँ पर वो चार्जर जो है दूसरे फ़ोन पर भी काम नहीं करते, यानी कि आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका जो चार्जर है उसको आप ओरिजिनल चार्जर में बदल लीजिए, न्यू चार्जर लेके आइए, ओरिजिनल चार्जर यूज़ कीजिए, चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो एक सिंपल सा और बेसिक सा यहाँ पर नॉलेज है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको भी जानना ज़रूरी है, तो आप ये सब करके देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है आप ये कर भी चुके होंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका जो चार्जर है वो दूसरे पर काम करे, आपके फ़ोन पर नहीं कर रहे, ठीक है। तो दोस्तों हो सकते हैं आपके जो चार्जिंग का पिन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ और बोलूँ, पहले हम सॉल्यूशन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर क्या हो सकता है आपका चार्जिंग ना होने का, आपका डिवाइस। तो डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके आप चार्ज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे कभी कभी बात बन जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो दोस्तों अपना जो स्टोरेज स्पेस है एक बार उसको चेक करके देखिए, ठीक है। तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस है, उसमें जाके आपको क्लीन अप स्टोरेज का ऑप्शन एक मिल जाएगा, तो उसमें जाके चेक करें। यहाँ पे दोस्तों एम्प्टी ट्रेस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं तो फ़ोन प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो आपको क्लीन अप ऑल पे दबाना होगा और इसको क्लीन अप करना होगा, ठीक है। आपका स्टोरेज को भी चेक कीजिए, रैम को भी चेक कीजिए। आपका रैम पे दोस्तों यदि आपका रैम जो है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है, स्टोरेज कंज्यूम हो चुका है, थोड़ा सा फ्री अप करके देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सारे साथ आपका जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेटेड वर्जन का होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों आपके चार्जिंग का स्पीड को यहाँ पर क्या करते थे, इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो आप इन सॉल्यूशन को करके देखें। तो ये सब करके देखने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब तो फिर मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी लोग इसको फॉलो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वो क्या है, ठीक है। तो आपको जाना है दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट पर। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी फ़ोन पे बैड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अभी जाके एक बार अनइंस्टॉल करके भी चेक कीजिए। बैड एप्लीकेशन आपको पता नहीं है तो दोस्तों आपने यदि कोई ब्राउज़र से, ठीक है, इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन या तो फिर किसी दोस्त से लिया है तो उन सबको एक बार आप अनइंस्टॉल कीजिए, ठीक है। या पर दोस्तों दोस्त से लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने प्ले स्टोर के बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम देते रहते हैं फ़ोन को, तो वो अनइंस्टॉल करने के बाद चेक कीजिए चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके पूरा फ़ोन को एक बार रीसेट करके देखिए, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं होते तो फिर यहाँ पर कॉन्फर्म है आपके जो डिवाइस का पिन है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे चार्जर ओरिजिनल चार्जर आपने चेक करके देखा है फिर भी काम नहीं कराए तो मोबाइल का जो चार्जिंग पिन है उसको बदल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। उसको जो है बदलने के लिए आप कस्टमर सर्विस को जाके बता सकते हैं, यदि आपके पास वारंटी है ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम क्यों होता है फ़ोन पे यदि आप कई सारे चार्जिंग पिन को प्लग करते हैं डिवाइस पर। ठीक है, मान लीजिए आपका जो मोबाइल ख़रीदते वक्त आपको चार्जर मिला है, उससे उसको छोड़ के आप दूसरे चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, दो तीन चार्जर आपने ऐसे ही चेंज कर करके यूज़ कर रहे हैं, तो भी दोस्तों चार्जिंग का इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने, आपको बस एक फ़ोन के लिए एक चार्जर मिनिमम यूज़ करना है। ठीक है, और वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, तो चार्जिंग पे प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद आता है तो जाके लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।